बिरयानी मैं खाऊंगा। कितना टाइम हो गया? अरे टाइम हो गया, तेरे पापा ड्यूटी से आने ही वाले होंगे। बड़ी माँ, भैया शॉर्ट फिल्म में बिजी हैं। अब जाओ जाओ। भाई देखो सारे शॉट मस्त आए हैं। अरे नालायक कहीं के, अगर वो आ गए तो तुम सबको मार पड़ेगी, समझे? नहीं सुधरोगे तुम लोग। बता रहे भाई, बहुत अच्छी एक्टिंग की है आपने। मेरे भैया का शॉट अच्छे से लिया ना? गलती से मिस हो गया भाई। किसी काम का नहीं है, जल्दी से अंडरटेकर को लेकर आ जाओ। लेकर आ जाओ उसे। थैंक्स भाई। अरे अंडरटेकर कहाँ गया, आया नहीं क्या वो? ए जनक कभी आए आप? मेरी मेहनत के पैसे तू अपनी मूवी के लिए खर्च कर रहा है? डीएसपी के बेटे को क्यों मार रहा था तू? पुलिस स्टेशन में मेरी नाक कटा के रख दी है तूने। क्यों मार रहे हो? अरे तुम्हें पता है इसने क्या किया? क्या किया है? डीएसपी के बेटे को मार रहा था। डीएसपी होगा मेरे लिए नहीं है। तभी उल्टा जवाब देता है। शांत हो जाइए, अब जाकर कपड़े बदलिए, जाइए ना। चुप रहना, आप जाइए जी। माता, ऑमलेट में मिर्ची पाउडर जरा अच्छे से मिक्स करके देना। डीएसपी के बेटे को तूने क्यों मारा? क्या माँ, आप भी आपके पति के जैसे ही बन रही हो। आपको पता भी है क्या हुआ? क्या किया था? वो डीएसपी का बेटा अपने रेणुका की फोटो चुपके से निकाल कर सारे दोस्तों को सेंड कर रहा था। बेचारी वो लड़की आकर मेरे सामने रोने लगी, इसलिए उस बदमाश को मैंने पूरी कॉलोनी में घुमा कर मारा। अरे मेरा प्यारा बच्चा। मम्मा ऑमलेट, मम्मा ऑमलेट, ये ले खा। अगर तुझे गुनहगारों को सजा देना ही है तो पहले आईपीएस पास हो जा, फिर मारना उनको। आईपीएस? और मैं? देख लिया माँ, मैं हेड कांस्टेबल का बेटा बनकर जीना चाहता हूँ, और ये है कि आईपीएस के पिता बनकर जीना चाहते हैं। कितने स्वार्थी है पिताजी। उन दिनों मेरे पिताजी की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। हाँ, मेरे दादाजी पढ़ाना चाहते होंगे, आपने पढ़ाई छोड़कर मौज मस्ती की होगी। क्या ये अपने बाप से जबान लड़ाता है? तो आप क्यों अपने बेटे के साथ ऐसे बात कर रहे हैं? ये क्या माँ, जब ऑमलेट खाते समय ये मुझे कुछ न कुछ चोकते रहते, बोलते रहते। मैं नाराज हूँ, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। कांस्टेबल की जेब से निकाल लिए, कल बड़ा एक्टर बनने के बाद सिंगल चेक से पूरा पेमेंट कर दूंगा। क्या होगा इसका, पुलिस वाला बनने की जगह ये फिल्मों की बात करता है? ये सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन उसे आपके जैसे तो मुझे बिल्कुल नहीं बनाना है। अरे तुम भी उसका सपोर्ट कर रही हो? आज तक हमारे खानदान से कोई भी फिल्मों में गया है क्या? सुनिए जी, तुम्हारे जैसे ये कांस्टेबल वेंकट राव का बेटा फिल्म लाइन में जाकर आज बड़ा स्टार है। ये सब तुमसे किसने कहा? हाँ। ये बात गब्बर सिंह ऑडियो लॉन्च में पवन कल्याण ने बताया। एक साधारण पुलिस कांस्टेबल का बेटा आज हम लोगों के बीच अपनी मेहनत और प्रतिभा की वजह से आदर्श बना हुआ है। तो फिल्मों के भूत ने तुम्हें भी पकड़ लिया? नहीं जी, फिल्मों का भूत नहीं, मैं तो सिर्फ टीवी सीरियल देखती हूँ। अरे मेरा सीरियल स्टार्ट हो गया, मैं जा रही हूँ। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं सुधरने वाले। पालक का साग 3 रुपए का, धनिया पत्ती 4 रुपए की, 55 रुपए कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? दोस्त, ये क्या है भाई? अरे आज की गधा मजूरी हो गई तुम्हारी? गधा मजूरी तो हो गई भाई, पूरा हिसाब करने के बाद 5 रुपए कम पड़ रहे हैं। अगर बुड्ढी को पता चल गया तो मेरी खाल उधेड़ लेगी। उसी के पान मसाले के लिए खर्च हो गए होंगे। हाँ माँ, हाँ माँ, बोलो माँ, बोलो 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 माँ, बोलो। मिल जाएगा माँ, पूरा मिल जाएगा। 28 रुपए का हिसाब मिल गया माँ, 2 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। शायद मैंने वो 2 रुपए पान वाले को दिया है माँ। आप टेंशन मत लो और मुझे भी मत दो, मैं पूरा हिसाब करके आपको बताऊंगा माँ। हाँ माँ, हाँ 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 बताऊंगा। ये माँ है कि कसाई। अरे भाई इसको ऐसे ही मत छोड़ना, इसको दिन भर खाने के लिए गुटखा और पीने के लिए वोडका चाहिए। इसके पीछे तो पुलिस के कुत्ते छोड़ने चाहिए। ये तो आतंकवादियों से भी ज्यादा टॉर्चर करती है मुझे, इसका क्या करूं मैं? अरे तूने फोन काटा ही नहीं है सच में? तेरी ड्रेस उतर गई समझ ले, तुझे नहीं छोड़ने वाली वो। सच में भाई, पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर पीयून की नौकरी करने में तुझे शर्म नहीं आती? कभी मौका ही नहीं मिला भाई। ये क्या, सब लोग नए कपड़े पहनकर रेडी क्यों हो गए हो? भाई सुनो, हमें अभी खबर मिली है कि चौबे नगर के कमिश्नर ट्रांसफर होकर हमारे शहर में आ रहे हैं। तो उनको क्या हैप्पी बर्थडे विश करने जाना है क्या? जी, 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 जी। उनकी एक सुंदर सी लड़की है, बिल्कुल अप्सरा जैसी दिखती है। उर्वशी लगती है भाई, एकदम कटरीना जैसी लगती है, चित्तौड़ की रानी जैसी है। सच में? सच में। जाओ जाओ जाओ, चलो चलो चलो, मुझे सेट करने दो।
शादी नहीं 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 प्लीज प्लीज मेरे पीछे मत आना ना ना आगे जाओ मेरे पीछे ड्रेस चेंज लाइट्स गॉन ओ पागल फिर से सपना दिख रहा था सर सर हम लोग अभी ही आए हैं सर 10 मिनट में आ जाएंगे सुनो बेटी ये सामान घर में शिफ्ट करवा दो मैं स्टेशन होकर आता हूँ ठीक है पिताजी इतना सारा सामान कैसे शिफ्ट करवाऊं ये कौन है जो यहाँ फालतू बैठा हुआ है अब इस पूरे सामान को अंदर रखवाने के लिए आदमी ढूंढ रही है ना सही कहा आपने जस्ट अ मिनट साइड प्लीज चलो ड्यूटी पे लगो काम कंप्लीट हो गया भाई कम से कम मेरी भी सेटिंग करा दो ना इससे करा दो बेटा भाई मेरी सेटिंग करा दो ना मेरी बहन की तरह रखूंगा जा ये लोग कौन है पैकर्स एंड मूवर्स से है क्या लवर्स इन क्वार्टर्स यानी बाद में बताऊंगा सेनोरिटा थैंक यू हां पूर्णिमा डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया क्या है एनेस्थीसिया आपका सरनेम है क्या अरे नहीं नहीं ये नाम नहीं है ये डेजिग्नेशन है मालूम नहीं है तो अपने मुंह को बंद रखना एनेस्थीसिया एशिया में बड़ी ही कंपनी है जो आईबीएम के बाजू में है सॉफ्टवेयर है IBM, Wipro, Infosys हेलो हेलो अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं एनेस्थीसिया ऑपरेशन से पहले पेशेंट को लगाया जाता है डॉक्टर है यार डॉक्टर ही है पर डॉक्टर नहीं है डॉक्टर जैसी डॉक्टर है बड़े डॉक्टर के बीच में छोटे डॉक्टर के ऊपर ऑलमोस्ट डॉक्टर है तो डॉक्टर भी मान सकते हो कंपाउंडर कंपाउंडर से थोड़ी ऊपर है तो नर्स बड़ी नर्स है जिसने तुम लोगों को पढ़ाया है ओशो वो कौन है फुटबॉल प्लेयर है क्रिकेट प्लेयर है मैं ओहो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अभी तो पॉइंट पर आ गई है जस्ट अ मिनट वैसे भी देश में लड़कियों की कमी हो गई है और हमारे कॉलेज में तो बहुत ज्यादा कम है इसलिए अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड को सिलेक्ट करना हो तो हम में से सिलेक्ट करना होगा हम में ही चुनना होगा ये हमारा बनाया हुआ रूल है हमारा लिखा करोड़ पुराण है माय लॉर्ड यस छोड़ दो डिवोर्स दे दो उसे डरा रहे हो क्या मैं कौन हूँ जानते हो तुम कौन है डॉटर ऑफ एसआई अरे हम क्या चोर के बच्चे हैं भाई हम भी तो पुलिस के ही बच्चे हैं तुझे एक बात पता है क्या मैं पैदा ही पुलिस स्टेशन में हुआ था वो जो चौथा सिंह है ना वो तो मैं ही हूँ तुम सच में डॉक्टर ओके ठीक है बताने का तरीका तो बकवास था पर कॉन्सेप्ट नया था मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ ये लड़की पट जाएगी क्या भाई लड़की तो जरूर पटेगी ए तुम जाओ रे लड़की मुझको पटेगी जाओ जाओ कौन है वो गुंडा माणिक रिसेंटली एक लड़की को किडनैप करके उसका रेप किया है उसने ये सब किसी टीवी रिपोर्टर के बताने तक मुझे पता ही नहीं चला उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की किसी ने भी पर्सनली आके कंप्लेंट नहीं की सर एक काम करो उस गुंडे माणिक का फोटो स्टेशन में रखो और उस फोटो की रोज पूजा करो भजन करो ऑन ड्यूटी करो तुम सबको मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा शर्म नहीं आती सर कहते हो एक मिनट सर माणिक के नाम पर धंधा करना औरतों की मदद से लड़कियों को टारगेट करना छोटा सा गैंग तैयार करके चेन स्नैचिंग करवाना कॉलेज के स्टूडेंट्स को बैटिंग का लालच दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करना घर के ओनर को कर्जा देकर ब्याज के नाम पर डराना ना माने तो मर्डर करना ये सब केस माणिक पर चल रहे हैं सर इतने सारे केसेस सर स्मॉल रिक्वेस्ट सर जनता भी चैन की नींद सोएगी और हमारे डिपार्टमेंट को भी आराम मिल जाएगा क्यों ना हम इसका चुपचाप एनकाउंटर कर दें मैंने परमिशन ले ली है उसे उड़ा दो परसों इंडिया पाकिस्तान मैच है सब मैच देखने में बिजी होंगे किसी को पता नहीं चलना चाहिए उसे उसी दिन खत्म करो सारी फॉर्मेलिटी फॉलो करो माणिक का एनकाउंटर करने की परमिशन ऊपर से मिल गई किसी को पता नहीं चलना चाहिए कॉन्फिडेंशियल है रणवीर सिंह तुम अपनी टीम के साथ काम करोगे और शिव प्रसाद तुम्हारी टीम में रहेगा क्यों शिव प्रसाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तुम्हें इनकी टीम के साथ काम करना है यस सर सर ये एजेड पर्सन है ये इस केस में क्या करेंगे तुम उनको एज की नजर से मत देखो एक्सपीरियंस की नजर से देखो जब तुम उसे घेर के एनकाउंटर करोगे तो भीड़ को कौन संभालेगा वही संभालेंगे
ये ऑपरेशन सक्सेस हुआ तो उनको भी प्रमोशन मिलेगा। डिटेल्स लेके अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करो। यू मे गो। ओके सर। सर पी लो सोना डार्लिंग, ऑरेंज जूस। इसे पीने से स्किन अच्छी होती है और तू अच्छी लगेगी तो मेरे कस्टमर्स बढ़ेंगे। गारंटी होना, इस जूस के कितने फायदे होते हैं। लो पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो चल पी। नमस्ते डीएसपी साहब, कैसे याद किया? कुछ नहीं मानिक, जिस लड़की का तूने रेप किया वो प्रेग्नेंट है, तो होने वाले बच्चे का क्या नाम रखना है यही जानने के लिए फोन किया था मैंने। बड़े लोग हो गए हो भाई तुम तो। अब मुझे ऊपर से परमिशन मिल गई है कि तुम जहां भी नजर आए तुम्हारा फौरन एनकाउंटर कर दिया जाए। सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? आप ही ने तो कहा था कि रेप के बाद उस लड़की को आपके बेटे के पास छोड़ दूं। हेमा मैं जा रहा हूं। तुझे पता है ये मेरा ऑफिशियल फोन है? क्या करा था तू इसके साथ हा? अबे गधे कहीं के, तुझसे फोन पे मैं बात कर रहा हूँ या मेरा बेटा बात कर रहा है इस बात का पता नहीं चलता क्या? अभी भी फोन पे आपसे बात कर रहा हूँ या आपके बेटे से बात कर रहा हूँ पता ही नहीं चल रहा है। ज्यादा मजाक मत कर, सॉरी सर, बताइए मैं क्या करूँ।